मुरैना से आ रही खबर, जहां मुरैना गांधीवादी विचारधारा के व्यक्तित्व वाले समाजसेवी भाई सुब्बा राव जी से उनकी गांधीवादी विचारधारा को अपनाकर उसका अमल करना ही उन्हें सच्चा श्रद्धांजलि है। यह विचार केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने मुरैना की जौरा गांधी सेवा आश्रम में व्यक्त किए। श्री पटेल यहाँ स्वर्गीय भाई सुब्बा राव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए थे। दोपहर बाद श्री पटेल ने जौरा गांधी सेवा आश्रम पहुंचकर भाई सुब्बा राव जी को अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। आश्रम की गतिविधियों का अवलोकन पश्चात भाई जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वर्गीय भाई सुब्बा राव जी को नमन करते हुए कहा कि वह एक संत की पूर्ण आत्मा थे। सुब्बा राव जी से दशकों पुराना अपना संबंध बताते हुए कहा कि मेरी राजनीति के अलावा नशा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम लगातार चल रही है। जब तक शरीर रहेगा तब तक यह मुहिम लगातार चलती रहेगी। भाई जी ने भूख, भय और अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। भाई जी द्वारा विदेशों में भी अपने गांधीवाद छवि से भारत का नाम रोशन करना हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहीं पर केंद्रीय मंत्री ने मानपुर बहराई सहित अन्य आदिवासी अंचल से आए एक सैकड़ा महिलाओं को कंबल भी वितरित किए। कंबल वितरण लगातार होता रहा। कार्यक्रम में रमन सिंह परमार, पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। मुरैना से संवाददाता सुनील कुशवाहा। आदरणीय भाई जी से मेरा संबंध दशकों पुराना है और मैं अपने जीवन में राजनीति के अलावा नशा मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के व्यसन के खिलाफ, व्यसन को बेचने वालों पर एक अभियान मैंने शुरू किया था जो अभी तक जारी है और शायद उससे शरीर चलेगा। मैं चाहूँगा कि बुराइयों के खिलाफ ये अभियान चल रहा था। उसके जहाँ जहाँ जो बड़े लोग ऐसा काम करते हैं, भाई जी ने बड़ा काम किया जो वो कल्पना नहीं कर सकता। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भय के खिलाफ, भूख के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ सतत ऐसी टोली खड़ी होनी चाहिए जो निष्काम भाव से, यानी वोट भी मैं सकाम मानता हूँ, उससे परे हम अपने अभियान को जारी रखें। भाई जी उसके प्रतीक थे। मैं उस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका था, तो इसलिए मैंने मन में तय किया था क्योंकि समाधि पर जाकर मैं पुष्पांजलि अर्पित करूँगा। अनवरत और सतत चलने वाले ऐसे ओजस्वी और तेजस्वी संत के चरणों में मैं नमन करता हूँ। सर, चंबल में खाद संस्करण विस्तार के लिए किस तरह की योजना? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो राजा जी और उनकी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको तय कर रहा है। हम सदैव सहयोगी थे, आगे भी सहयोगी रहेंगे। सर, कैलारस में हजारों जो किसान हैं वो गन्ना का व्यापार करते थे और शुगर मिल काफ़ी समय से बंद पड़ी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब भी चुनाव आते हैं तब वायदा करते हैं, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया गया। ये जवाब आपको स्थानीय लोगों से लेना पड़ेगा।